क्या जरूरत थी तुम्हें? हाँ, ये मेरू निशा के सामने ऐसे पटर पटर जबान चलाने की? तुम जानती हो ना कितने घरों में जाती है वो, जाके कहाँ कहाँ तुम्हारी बुराइयां करेगी। तो बोलने दो, हम किसी से लेकर नहीं खाते, तो हमें किसी चीज का डर भी नहीं होना चाहिए। आस पड़ोस में हमारी कुछ इज्जत है, खुदा के लिए उसी का कुछ लिहाज कर लो। तो आपकी इज्जत बचाने के लिए मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर दूं? हाँ, मेरो निशा का लाया हुआ रिश्ते पे हाँ कर देती हूँ और अपनी जिंदगी बर्बाद कर देती हूँ, तब आप खुश रहेंगी? मैंने ऐसा कब कहा, मेरा ये मतलब नहीं है। आपके अंदाज से तो ये लग रहा है कि आपको डर है कि दुनिया वाले क्या कहेंगे, कि भतीजी की शादी तो इतने शानदार घर में कर दी और बेटी के लिए एक आम सा लड़का ले आए, है ना? तो ठीक है, तुम ऐसा करो, जाओ जाके शहीर जैसा अमीर लड़का ढूंढ कर ले आओ। अगर तुम्हारे निकाह में एक सेकंड की भी देर करूँ ना, तो मेरा नाम बदल देना तुम। अच्छा ठीक है, तो मैं शहर के सारे अमीर लड़कों के पास जाती हूँ, उनके पैर पकड़ती हूँ और बोलती हूँ प्लीज मुझसे शादी कर ले। कमाल है अम्मी, आपकी बातें भी ना निराली होती है। जब होनी होगी ना हो जाएगी, टेंशन मत दे मुझे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? बात बात पे तुम क्यों इस तरह से काट खाने को दौड़ रही हो? हाँ हो गया दिमाग खराब मेरा, अब मुझे अकेला छोड़ देंगे? मैं अपना म्यूजिक सुनू? डॉक्टर से बात हो गई है मेरी, वो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, आप घर जा सकती हैं। बहुत तंग कर लिया आप, बहुत आजमा ली मोहब्बत, अब और नहीं। ठीक है, अब जल्दी से ठीक हो जाएं और सब कुछ पहले की तरह संभाल लें। आपको पता है आपकी वजह से मैं हनीमून पे नहीं जा सका। अब दादा अगर आपको हनीमून पर नहीं लेकर गए, उसमें मेरा क्या कसूर था? बेचारे इरहक ने क्या ज्यादती की है? खामखा आपको दिल में बुरा भला कहती होगी। बस ऐसे ही हंसते मुस्कुराते देखना चाहता हूँ आपको मैं हमेशा। मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ और उसके बाद हम घर जा रहे हैं, ठीक है? पता आप कितने दिनों बाद घर आ रही हैं? हम सब ने आपको बहुत मिस किया। आप देखिएगा, आप घर आएंगी ना तो हम छोटी सी पार्टी भी रखेंगे आपके लिए।